डेट है 4 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है डेफ एक्सपो 2022। ये एक एग्जीबिशन है प्रदर्शनी, इसका अभी रिव्यू किया है कि ये 2022 में होगा इसका एडिशन। रिव्यू किसने किया है? रक्षा मंत्री हैं जो हमारे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के विजय रूपानी। इन्होंने जाके ये देखा है कि भाई साहब इसकी तैयारी कैसी चल रही है। 2 सितंबर 2021 को ये रिव्यू किया, यहाँ पे प्रिपरेशन कैसी चल रही है गुजरात के केवड़िया जगह पे। इसका 12वां एडिशन होगा भाई साहब 10 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच में 2022 को, गुजरात के गांधीनगर के पास में है ये केवड़िया जगह, यहाँ पे होगा। और इसमें जो हमारी मिलिट्री है उसके पास कैसे कैसे इक्विपमेंट है, डिफेंस सिस्टम कैसा है, ये मिसाइल्स या कैसा भी मतलब कोई भी वीपन्स हथियार वगैरह कैसे हैं, इनकी शोकेसिंग होती है, प्रदर्शनी होती है, दिखाए जाते हैं क्या क्या सिस्टम है हमारे पास, लैंड, नवल, एयर, होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम क्या क्या है। इसमें गुजरात गवर्नमेंट ये यूटिलाइज करना चाहती है इस मौके को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एयरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, विदेशी कोई मान लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोले वीपन्स बनाने की या कोई हेलीकॉप्टर डेवलप करने की, जो इक्विपमेंट डिफेंस सिस्टम में काम आ सके तो वो गुजरात में लगें, ये यूटिलाइज करना चाहती है गुजरात गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को। ये फरवरी 2021 में इंडिया ने फर्स्ट कंट्री बना था कि हाइब्रिड एरोस्पेस एग्जीबिशन किया था इंडिया ने, बेंगलुरु में हुआ था ये एग्जीबिशन। इसमें भी कुछ ऐसे शोकेस किया जाता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम के पास क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो शोकेसिंग की जाती है। ये COVID-19 के साथ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को कंप्लाइंस करके प्रदर्शनी ये की गई थी 2021 में की गई थी ये। और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसके अंदर की गई थी ये एग्जीबिशन, ये बेंगलुरु में हुई थी 2021 में। और जो ये डेफ एक्सपो 2020 है गुजरात में होने वाली है। ये एक ऐसा इवेंट होता है कि ईयर इन ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि ग्रोथ देखी जाती है कि क्या क्या ग्रोथ हुई है हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी में, जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी जो भी इक्विपमेंट की डिफेंस सिस्टम की क्या बढ़ी है। इसका टारगेट ये होता है, इसका एम लक्ष्य ये होता है डेफ एक्सपो 2022 का कि इंडिया को आत्मनिर्भरता हासिल करना है डिफेंस सिस्टम में, कि हम अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें जो भी डिफेंस सिस्टम चाहिए, हम बाहर से हमें इम्पोर्ट ना करें, कि बाहर से हमें आयात ना करने पड़े, जो भी हम डिफेंस वगैरह है उसको आयात ना करें, बल्कि इसका टारगेट ये है 2024 तक आते आते हम जो भी डिफेंस वगैरह में इक्विपमेंट वगैरह या हथियार या वीपन्स कुछ भी हम खरीदते हैं, वो खरीदने की बजाय हम $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करें, दूसरी कंट्री को बेचें 2024 तक आते आते, इसका टारगेट ये है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका कि डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लैंड, नवल, एयर, होमलैंड सिक्योरिटी में एक इंडिया डेस्टिनेशन हो, यानी कि यहाँ पे आके कंपनी मैन्युफैक्चर करें हथियार वगैरह वीपन्स वगैरह। इसमें यही टारगेट रखा गया है कि जो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको यूज़ किया जाए और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए। जो डिफेंस 2020 की ये 2022 की एक्सरसाइज होगी गुजरात में, ये COVID-19 की प्रोटोकॉल को कंप्लाइंस करके की जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन। टर्टल बोलते हैं भाई साहब कछुए को। एक आदमी है, एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है शैलेंद्र सिंह, इसको ये अवार्ड दिया गया है अभी टर्टल कंजर्वेशन के लिए। क्या क्या है इन्होंने, इन्होंने किया है कि जो कछुए हैं उसकी कुछ प्रजातियों को बचाने में इन्हें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है पूरा बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है जब भी मान लो कोई टर्टल की वेराइटी है, स्पीसी, जब वो मान लो एक्सटिंक्ट होने वाली या क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में, बहुत ही कम जनसंख्या उसकी बच गई है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो उसको संरक्षण के लिए कोई काम करे तब उसके लिए दिया जाता है ये अवार्ड। और इस अवार्ड को किस लिए दिया गया है, क्योंकि जो शैलेंद्र सिंह है इन्होंने 3 प्रजातियों को बचाने में सहायता की है। ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन होने वाली थी, मतलब लुप्त होने वाली थी, अगर इनको कंजर्व नहीं किया जाता ये ख़त्म हो जाती इनकी प्रजाति। ये कौन कौन सी है, एक है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, नदन रिवर टेरापिन, और ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये हैं भाई साहब रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ये रेड क्राउंड है इसका कुछ इस तरह से, इसलिए से वो रेड क्राउंड बोला जाता है। और ये है भाई साहब सॉफ्ट शेल ब्लैक टर्टल, और ये है टेरापिन, नदन रिवर टेरापिन टर्टल। ये 3 प्रजातियों को बचाने में इसने बहुत सहायता की है। और इस अवार्ड को देता कौन है, इस अवार्ड को देती हैं भाई साहब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ इन्वायरमेंट के स्पीसीज वगैरह का, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। फ्लोरा का मतलब है प्लांट एंड ट्री, और फौना का मतलब है एनिमल एंड बर्ड्स। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करते हैं
ये ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस, IUCN के बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, SSC टॉर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, टर्टल कंजर्वेंसी एंड द टर्टल कंजर्वेशन फंड। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये फंड है जिसने ये अवार्ड को दिया है शैलेंद्र सिंह को। हमारे जो कंट्री में इंडिया में 29 स्पीसीज पाई जाती हैं फ्रेश वाटर टर्टल और टॉर्टोइज की। देखो टर्टल और टॉर्टोइज कछुआ को ही बोलते हैं वैसे होते, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या होता है देखो, टॉर्टोइज जो होता है उसका जो टॉप होता है ना उसका राउंडेड और डोम सेल होता है। जैसे मान लो ये कछुआ हमने देखा ऊपर, ये ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये वाला कछुआ, जैसे जो टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज और टर्टल हिंदी में तो कछुआ ही बोलते हैं, अब इंग्लिश में इनका क्या अंतर है, टॉर्टोइज उसको बोलते हैं, जैसे इसका जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ये बैक टॉर्टोइज की थोड़ी ऊंची होती है और राउंडेड होती है, ऊंची इस तरह से ये थोड़ी ऊंची होगी, और टर्टल की क्या है ये बिल्कुल सेफ, इसकी पतली होती है जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये सॉफ्ट शेल टर्टल की दिखाई दे रही है पतली ऐसी होती है, और अगर ये टॉर्टोइज होता तो ये थोड़ी ऊंची हो जाती है और राउंडेड शेप में हो जाती, गोल, ये फर्क होता है टॉर्टोइज और टर्टल में। अब ये टर्टल सर्वाइवल अलायंस क्या है, देखो ये एक 2011 में बनाई गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक पार्टनरशिप, इसकी पार्टनरशिप के अंदर ही बनाई गई थी, इसकी मान लो एक इसी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है ये IUCN के अंदर, किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो फ्रेश वाटर टर्टल है, मतलब जो फ्रेश वाटर टर्टल का मतलब है जो साफ पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में नहीं, सिर्फ साफ पानी में पाए जाते हैं ऐसे टर्टल और टॉर्टोइज, उनके मैनेजमेंट के लिए ये बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इनिशियली डेजिग्नेट किया गया था, एक टास्क फोर्स थी IUCN की, IUCN टॉर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप है उसकी एक टास्क फोर्स थी, उसको काम दिया गया था ये कंजर्व करने का इन टर्टल स्पीसीज का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है CJI फ्लैग्स कॉम्युनल कंटेंट इन मीडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी उन्होंने क्या है एक केस को ऑब्जर्वेशन किया और पाया कि हमारी कंट्री में कुछ सेक्शन है जो कॉम्युनलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे केस आए हैं ऐसे कॉम्युनलाइजेशन के। कॉम्युनलाइजेशन क्या होता है भाई साहब, कॉम्युनलाइजेशन या कॉम्युनलिज्म, देखो कॉम्युनलिज्म जो कॉम्युनलिज्म, जब भी किसी वर्ड के साथ ये ISM लग जाए ना, इज्म, उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, यानी कि कोई विचारधारा की बात हो रही है, और आइडियोलॉजी विचारधारा कौन सी है, कॉम्युनल विचारधारा, कॉम्युनल, कॉम्युनल या कॉम्युनलाइजेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब भी भाई साहब कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, कोई धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, या कोई एथनिसिटी के बेस्ड पे एथनिक ग्रुप हो सकता है, कोई स्टूल ट्राइब हो गई, एक ये स्टूल ट्राइब हो गई, तो SC या ST कैटेगरी के हो गई स्टूल ट्राइब या स्टूल कास्ट, या कोई भी कम्युनिटी हो गई, या कोई धर्म के नाम पे हो गई, रिलीजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो आप, रिलीजन का कोई मान लो धर्म के नाम पे कोई कॉम्युनलिज्म प्रमोट करे, यानी कि अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट करना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एलिगेंस टू वंस ओन कम्युनिटी, अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही समुदाय से सिर्फ प्यार करना और दूसरे समुदाय को, कम्युनिटी को नीचा दिखाना, कहने का मतलब सिर्फ ये कि हमारा धर्म ही अच्छा है, दूसरे धर्म बुरे हैं, ये फीलिंग प्रमोट करना, और इसके बेस पर लोगों में वायलेंस, हिंसा भड़काना, हेटरेट, नफरत पैदा करना, तो ये हो गया कॉम्युनलिज्म, समझ गए। देखो धर्म तो सारे ही अच्छे हैं भाई साहब, कोई भी धर्म है, चाहे कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी रिलीजन है भाई साहब, आप उठा के देखना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारे ह्यूमनिटी पे बेस्ड हैं, ह्यूमनिटी। लेकिन कुछ लोग जो धार्मिक गुरु होते हैं अपने फायदे के लिए इसे क्या है, अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट करते हैं धर्मों को, और अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं और धर्म को, पूरे धर्म को बर्बाद कर देते हैं, पूरे धर्म का कंसेप्ट, और लोगों में धर्म के नाम पे दूसरे धर्म के लोगों में उस धर्म के लिए घृणा पैदा हो जाती है फिर। तो ये CJI ने अभी ये कहा कि बहुत सारे सेक्शन है, मतलब कुछ सेक्शन है मीडिया के, जैसे ट्विटर है, सोशल वेबसाइट जो होती है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, इस पर क्या है कॉम्युनलाइजेशन प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे कुछ केस देखे गए। और सुप्रीम कोर्ट में देखो ये केस भी आया था, एक पिटीशन आई थी कि जब COVID-19 आया था, जो तबलीगी जमात है उस पे आरोप लगाए जा रहे थे, मीडिया पे फैलाई जा रही थी कि तबलीगी जमात कोरोना वायरस को फैलाने में प्रमोट कर रही है, इसने फैलाया कोरोना वायरस, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के नाम पे, एक धर्म को स्पेसिफिक धर्म से जोड़ा जा रहा था कोरोना वायरस को, बाद में आप सबको पता है भाई साहब COVID-19 कैसे फैला है। तो ये क्या है, यही कॉम्युनलिज्म है कि एक धर्म जाति को आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके नाम पे, कि इसने ही फैलाया है। कुछ और भी केसेस मिले हैं कॉम्युनलाइजेशन के, जैसे आप देख रहे हो इसके नाम पे UPSC जिहाद का नाम सुना होगा आपने न्यूज़ में, हादिया केस, ट्रिपल तलाक केस, ये कुछ कॉम्युनलाइज इसके बेस पे प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी पे कोर्ट ने लेमेंट किया है, मतलब शोक प्रकट किया है, कि दुख प्रकट किया है कि सोशल मीडिया और जो ओवर द टॉप ये कंटेंट प्लेटफॉर्म है, इस पे कुछ एडुकेट
क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए इन सोशल मीडिया की, कि इन पे क्या है कुछ एक्शन ले सके गवर्नमेंट। ये ओवर द टॉप कंटेंट प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? देखो, ओवर द टॉप ऐसे होते हैं, OTT शॉर्टकट में बोलते हैं, OTT प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो डायरेक्टली यूजर को सर्विस प्रोवाइड करें, डायरेक्टली, जिनमें ना तो कोई केबल का रोल हो, ना ही सेटेलाइट टेलीविजन का हो, समझ रहे हो, ना ही कोई और मेडिटरी हो। जैसे मान लो भाई साहब अमेजन हो गया। अमेजन क्या है, कोई सेटेलाइट को यूज नहीं करता, इंटरनेट को यूज करता है, इंटरनेट के जरिए डायरेक्टली यूजर को सर्विस देता है, इंटरनेट को यूज करता है। अब जैसे सेटेलाइट टेलीविजन हो गया, अब टेलीविजन पे देखोगे वो सेटेलाइट टेलीविजन का प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, तब जाके आपको दिखाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के उन पे रूल प्रॉपर बने हुए हैं। और जो ओवर द टॉप होते हैं इनके लिए देखो, जैसे यहाँ पे अमेजन पे आप सबको पता है सिनेमा हॉल आजकल बंद हैं, और मूवियाँ कहाँ पर रिलीज हो रही हैं, मूवी जो भी रिलीज हो रही हैं अमेजन और ये आपके नेटफ्लिक्स। देखो एक बात बताऊँ, अभी मैंने बोला मूवियाँ, ये मूवियाँ हिंदी में बना दिया मैंने, मूवी का मूवियाँ, वैसे मूवीज़ होना चाहिए ना, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारी हिंदी के बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी ना, ऐसी हम लोग हिंदी लोग अंग्रेज़ों की भाषा का बेइज्जती किए जा रहे हैं। मूवीज़ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बहुवचन, मूवीज होगा। अब मैंने क्या बोला, मूवियाँ। ऐसी अंग्रेज़ों ने जैसी हमारी हिंदी की बेइज्जती की थी, ऐसी अंग्रेज़ों की भाषा की हम बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी भाषा में उसका प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं, मूवी का मूवियाँ, समझ रहे हो। तो ये मूवीज़ को क्या है, अमेजन या नेटफ्लिक्स जो साइट आपने सुनी होगी, इन पे रिलीज कर देते हैं। ये क्या है, इंटरनेट के जरिए लोग क्या है इनकी ले लेते हैं मेंबरशिप, जैसे अमेजन प्राइम की, नेटफ्लिक्स वगैरह की, इन पे मूवी देखते हैं इंटरनेट के जरिए डायरेक्टली। तो ये क्या हो गए, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT, क्योंकि डायरेक्टली इंटरनेट के जरिए यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये इनके लिए, और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है इनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। ये क्या, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ रूल नियम इनके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, ये हाईलाइट किया कोर्ट ने। वैसे गवर्नमेंट ने 2021 में रूल्स भी बनाए हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 और केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडेड रूल्स 2021। ये दोनों रूल बनाए। दोनों रूल्स क्या हैं, अलग अलग हमें डिस्कस कर लेते हैं। जो ये IT के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के, ये बोलते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है इनके लिए ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम मैंडेट्स क्या है, कि ये मैंडेटरी है हमारी कंट्री में, कि जो भी डिजिटल पोर्टल हैं या OTT प्लेटफॉर्म है इनके लिए ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख, रिडर्सल मतलब निवारण, दुख निवारण करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। कि मान लो कोई भी यूजर्स जो यूज करता है इनको, तो अगर मान लो इन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो फेसबुक है, ट्विटर है, इन पे मान लो किसी को ट्रोल किया जा रहा है, किसी की अश्लील पिक्चर अपलोड की जा रही है, तो अगर कोई कंप्लेंट डाले फेसबुक को तो उस पर तुरंत एक्शन ले। तो इसके लिए भाई साहब एक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम लिखा गया कि कोई भी मिसयूज करे सोशल मीडिया का, तो उनको नेसेसरी फाइंड आउट करें और ग्रीवेंस के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। जो भी मान लो ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। एक ऑफिसर होगा जिसका नाम होगा चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। ये क्या करेगा, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारी कंट्री की कोई भी हो गई, मान लो जैसे पुलिस हो गई या NIA हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और भी कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, उनके साथ कंप्लाइंस करेंगे, उनके टच में रहेंगे 24/7 आवर, मतलब 24 घंटे सातों दिन, हफ्ते में सातों दिन 24 घंटे उनके संपर्क में रहेंगे। कोई ऐसी न्यूज़ आती है, मान लो कोई वॉयलेंस फैला रहा है या रिवॉर्ड्स करवा सकता है, ऐसी न्यूज़ उनके बारे में इन्फोर्समेंट एजेंसी को सूचित करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। जो ग्रीवेंस ऑफिसर होगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी मान लो कंप्लेंट आती है उसको रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको सुलझाएंगे, डिस्पोज करेंगे। और रिमूवल ऑफ कंटेंट 24 घंटे के अंदर, मान लो किसी की अश्लील तस्वीर या कोई मान लो नंगी तस्वीर, न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट या इम्पर्सोनाइजेशन हो रहा है, इम्पर्सोनेशन, तो इसको कोई भी असली पिक्चर अपलोड कर दी और यूजर ने कंप्लेंट किया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी तस्वीर वगैरह फेसबुक या ट्विटर जिस पे भी है हटाई जाएगी। मंथली रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है, मंथली रिपोर्ट देंगे कि इन्होंने एक महीने में कितनी कंप्लेंट रिसीव की, कितनी इनके पास शिकायत आई और कितनी इन्होंने रिड्रेसल कर दी, मतलब कितनी सुलझा दी, ये भी देंगे। 3 लेवल पे इसमें रेगुलेशन होगा, एक तो सेल्फ रेगुलेशन होगा और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है खुद रेगुलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इनकी साइट पे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो अश्लील या कुछ वॉयलेंस फैलाने वाली है। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी इन, जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज या कोई एमिनेंट पर्सन होगा, एमिनेंट का मतलब फेमस कोई पर्सन होगा, प्रसिद्ध फेमस पर्सन। एक ओवरसाइट होगा जिसको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो ओवरसाइट करेगी एक ग्रीवेंस कमेटी बना के।
अब ये केबल टेलीविजन जो नेटवर्क रूल्स हैं 2021 के, ये भी कुछ इसी तरह से हैं। इसमें भी क्या, तीन लेवल पे ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होगा। एक तो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम होगा, जो खुद ब्रॉडकास्टर है, जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा, मतलब अमेजन हो गया या कोई भी, मान लो कोई भी टेलीविजन है, टेलीविजन में कोई भी चैनल है, वो चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वो ब्रॉडकास्टर, मान लो जैसे स्टार प्लस चैनल है या कोई भी चैनल, मान लो आप सहारा वन है, कोई भी चैनल मान लो, वो चैनल जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है कुछ भी, वो अपना एक सेल्फ रेगुलेशन करेगा, खुद देखेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं दिखाई जा रही हैं जो कुछ वॉयलेंस फैला सकती हैं कुछ, और एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी होगी, ब्रॉडकास्टर इसको एक बनाएगा सेल्फ रेगुलेशन बॉडी। एक ओवरसाइट कमेटी होगी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, ये यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे होगी, डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफिसर लेके ये कमेटी बनाई जाएगी। इस प्रोसीजर क्या होगा ग्रीवेंस रिडर्सल का, इसके लिए केबल टेलीविजन के लिए देखो, इसका होगा कि कोई भी कंप्लेंट जब फाइल की जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और जब भी कंप्लेनेंट, मान लो इसने सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ने कोई आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और जिसने कंप्लेंट की है, मतलब जो भी कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की है, अगर वो आदमी सेटिस्फाई नहीं है इसके ऑर्डर से, तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ के पास जाके शिकायत कर सकता है 60 डेज़ के अंदर अंदर। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के डिसीजन के अगेंस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, उसके कमेटी जो बनाएंगे, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, उसके पास शिकायत कर सकता है। फिर ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी देखेगी उसको, ओवरसाइट मैकेनिज्म के अंदर जो सेटअप होगी, ये कमेटी के जो हेड होंगे इंटर डिपार्टमेंट कमेटी के, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट पे होंगे ऑफिसर, वो इसके हेड होंगे। और एडिशनल सेक्रेटरी जनरली आईएएस बनते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हो, प्रमोशन होके आईएएस बनते हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा। देखो भाई साहब, पिछले 2.5 साल से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और आप सबको पता है लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही गवर्नमेंट को कहा है, भाई साहब 830 दिन हो गए हैं पिछले जब से ये पोजीशन खाली पड़ी हुई है, ये हमारे जो आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका उल्लंघन है, वॉयलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 93 के अंदर ये कहा गया है कि ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की, जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद। तो डेप्यूटी स्पीकर क्या है, स्पीकर की तरह ही पावर इंजॉय करते हैं, जब भी मान लो स्पीकर की पोस्ट खाली होती है किसी भी रीज़न से, मान लो स्पीकर की डेथ हो गई या बीमार है या कोई और रीज़न है, तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर उसको हाउस को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर की एबसेंट में, जब एबसेंट रहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिप्यूटी स्पीकर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं है तो, स्पीकर नहीं है तो, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसके हिसाब से देखो ये है कि जो डिप्यूटी स्पीकर है उसकी जो पोस्ट है उस पर अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर, जैसे मान लो अभी बीजेपी पार्टी है रूलिंग में, रूलिंग पार्टी है, उसकी गवर्नमेंट है, और अपोजिशन पार्टी जैसे और कोई पार्टी हो गई बीजेपी पार्टी के अलावा, तो उनके मेंबर कोई भी है एमपी, उनमें से भाई साहब कोई इसका डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। ये कन्वेंशन है, हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मतलब हमने मान लिया ऐसे सहमति से कि जनरली वो अपॉइंट किया जाएगा अपोजिशन पार्टी से डेप्यूटी स्पीकर। इसमें जो डिले हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब जो प्रेजेंटली क्या है, जो अपोजिशन की पोस्ट है, अपोजिशन लीडर की, वो पोस्ट खाली है अभी, कोई अपोजिशन में पार्टी ऐसी है ही नहीं जो अपोजिशन पार्टी का उसे मतलब स्टेटस दे सकें, क्योंकि आपको पता है अपोजिशन लीडर का तभी दिया जाता है भाई साहब, और पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का तभी दिया जाता है वो स्टेटस, जब 10% सीट हो कम से कम किसी पार्टी के पास, रूलिंग पार्टी के अलावा। और आप सबको पता है बीजेपी के अलावा, बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, और बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस या कोई और पार्टी है, उनके पास 10% सीट भी नहीं है लोकसभा की, जैसे मान लो 543 सीट है लोकसभा में, उनके पास कम से कम 10% कितना हो जाता है, 54.3, यानी कि कम से कम 55 उनके पास मेंबर होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, तब जाके उन्हें अपोजिशन का स्टेटस मिलता है, लेकिन इतनी सीट किसी के पास है ही नहीं, तो इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। तो स्पीकर क्या है जनरली, ये अभी जो स्पीकर जो है, अगर मान लो है नहीं, उसकी एबसेंट है, तो उस केस में अभी कौन चेयर करता है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो है ही नहीं, उस केस में कौन चेयर करेगा, यानी कि हाउस को कौन प्रिसाइड करेगा, हेड कौन करेगा हाउस को जब स्पीकर एबसेंट होंगे, कोई भी मेंबर करेगा, जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है ना, ये एक पैनल बनाया जाता है हाउस में से, लोकसभा का ही एक पैनल ऑफ चेयर, इसमें कुछ मेंबर होते हैं, तो इसमें से एक मेंबर कोई भी चेयर करता है उस केस में। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड पैनल है, इसमें 10 मेंबर होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दिया हुआ है प्रोविजन कि जब भी लोकसभा होगी उसमें एक मेंबर ऑफ ये चेयरपर्सन का पैनल होगा जिसमें 10 मेंबर हो गए, और उस 10 मेंबर में से लोकसभा के मेंबर में से चूज किए जाते हैं, और जब भी स्पीकर की एब्सेंस होती है तो इनमें से कोई मेंबर प्रिसाइड करता है।
डेप्यूटी स्पीकर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ब्रीफली। 93 जो आर्टिकल है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसी के हिसाब से इलेक्शन होता है इनका। जब भी मान लो नई लोकसभा बनती है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका इलेक्शन होता है, और डेप्यूटी स्पीकर का फिर उसके बाद इलेक्शन होता है। लोकसभा के मेंबर जो हैं वही इलेक्शन करते हैं और उसको चूज करते हैं। इसमें क्या है, जब भी मान लो कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कोई भी बन जाता है, डेप्यूटी स्पीकर बन जाता है, और उसे अपनी पार्टी से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी का डेप्यूटी स्पीकर बन गया, तो अपनी पार्टी से उसे रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी पार्टी का मेंबर भी रहता है और लोकसभा का मेंबर भी रहता है, क्योंकि वो अपनी जो भी ड्यूटी करता है इम्पार्शियल करता है, बिना पक्षपात के करता है। इसके रोल्स और फंक्शन यही हैं कि ये क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है। जब भी मान लो स्पीकर लोकसभा के डेथ हो गई या इलनेस है कोई भी, इलेक्शन जो होता है ये फर्स्ट मीटिंग जब लोकसभा की होती है जनरल, उसी के बाद होता है, और कन्वेंशन के द्वारा अपोजिशन पार्टी का डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। टेन्योर और रिमूवल क्या है इसका, देखो इसका टेन्योर जब तक लोकसभा रहती है, समझ रहे हो, लोकसभा रहती है ये तब तक होल्ड करते हैं जब तक लोकसभा के मेंबर ना हो। मतलब मेंबर, अगर मान लो मेंबर ये नहीं रहे लोकसभा के, तो इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, तब ये डेप्यूटी स्पीकर नहीं रह सकते। जब तक लोकसभा के मेंबर हैं तब तक ही वो डेप्यूटी स्पीकर हैं, और अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, मान लो इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, तब भी वो मेंबर मतलब डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहेंगे, क्योंकि रिजाइन कर दिया तो फिर रिजाइन कर दिया तो भाई साहब रहेंगे कहाँ से, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और इनको रिमूव किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा भी। लोकसभा में देखो एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा और इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही लाएंगे, और 14 दिन का उसे नोटिस दिया जाता है पहले, रिजोल्यूशन लाने से पहले। देखो लोकसभा के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पर के बारे में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, वो देख सकते हो आप। इसमें सिर्फ ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ में है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है डिटेल में, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में यही है भाई साहब। नेक्स्ट है अपना एक्सपोर्ट रोज 45% इन अगस्त। देखो हमारा एक्सपोर्ट अभी बढ़ गया है अगस्त में, कितना, 45.17%, लगभग $33.14 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट, समझ रहे हो। ये 2019 में, अगस्त 2019 में अगर हम देखें तो 27.5% था, जो कि अब बढ़ के 45.1% हमारा हाई हो गया है। लेकिन देखो फिर भी इंडिया को डेफिसिट है, घाटा है। घाटा क्यों है, डेफिसिट, डेफिसिट लिए भाई साहब, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा है लेकिन इम्पोर्ट भी बढ़ गया हमारा। इम्पोर्ट कितना बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ा है 45.17%, और इम्पोर्ट कितना बढ़ गया, मतलब जो हम बाहर से दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, परचेज करते हैं माल, वस्तुएं, कुछ भी, वो 51.47% बढ़ गया है। यानी कि हमने $33 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, दूसरे लोगों को बेचा है, और ख़रीदा कितना है माल हमने, $47 बिलियन का। तो हमें कितना घाटा हो गया, लगभग 47 में से 33 घटा दो आप, कितना हो जाएगा, लगभग $14 बिलियन का हमें घाटा हुआ है, डेफिसिट हुआ है। तो हमें ओवरऑल डेफिसिट ही है, तो ये आप याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी देखो हर 2-3 साल में ऐसी प्रोविजन, मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे देती है किसी क्वेश्चन में कि हमारा डेफिसिट है कि या हमारा सरप्लस है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना, हमेशा लगभग जनरली हमारा इम्पोर्ट ही ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, और डेफिसिट रहता है इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है विंग्ड विजिटर अराइव इन पुलिकेट। देखो पुलिकेट एक लेक है, झील, कहाँ पे, ये देखो भाई साहब अपना हिंदुस्तान देखते हैं, वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, यहाँ पे आप सबको पता है ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक, पुलिकट बोलते हैं कुछ इसे, पुलिकट बोलते हैं। तो पुलिकट जो लेक है, झील है, यहाँ पे है बॉर्डर पे। यहाँ पे क्या है, इस सीजन में जो ये सीजन चलता है, यहाँ पे बहुत ही माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, मतलब उड़ के आते हैं, कहीं से रसिया से आते हैं, कहीं से सेंट्रल एशिया से आते हैं, इस झील के पास आते हैं, तो ये डेस्टिनेशन है एक तरह से। ये पुलिकेट जो लेक है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, मतलब खारे पानी की झील है, चिल्का लेक के बाद, चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पुलिकेट उसके बाद है, ये सेकेंड लार्जेस्ट। यहाँ पे फ्लेमिंगोज और पेलिकन, ये हमने देखे हुए हैं भाई साहब, बर्ड हैं, पक्षी हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो और पेलिकन, ये यहाँ पे आते हैं, इनके लिए फेमस है ये रीजन। और पुलिकट जो लेक है, ये देखो यहाँ पे दोनों मानसून सिस्टम जो हैं, साउथ वेस्ट मानसून सिस्टम जो जून से सितंबर में आता है, जो अब चल रहा है पीरियड, जून से सितंबर में जो बारिश होती है इंडिया में, तो ये बारिश पुलिकट लेक में इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी होती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है ना, जब लगभग ये अक्टूबर नवंबर में होती है, ये इसके द्वारा भी बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश यहाँ पे पुलिकट लेक में, इस पर भी, मतलब जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है तब भी बारिश होती है। यहाँ पे एक नैला पट्टू बर्ड
बर्ड सेंचुरी है इसके पास ही, लेक के पास, ये बहुत ही फेमस है। ये आपको याद रखना है कि नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किसके, पुलिकट लेक के पास। और यहाँ पे देखो बहुत सारे बर्ड आते हैं इस, देखो हमने ग्रेटर फ्लेमिंगो पढ़ा, पेलिकन पढ़ा, ये तो आते ही हैं, और भी कई सारे बर्ड हैं। देखो इन बर्ड के बस आपको क्या है, एक बार नाम दो तीन बार पढ़ना है, इसे का स्क्रीनशॉट ले लो आप। जैसे देखो ब्लैक हेडेड इबिस है, यूपीएससी क्या पूछती है, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि ये क्या चीज़ है, बर्ड है, एनिमल है, रेप्टाइल्स है, क्या है, ऐसे पूछ लेती है, नाम दे देगी आपको, ये ब्लैक हेडेड आइबिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बर्ड है सारे। एशियन ओपन ही बिल, ब्लैक क्राउंड नाइट हेरोन, लिटल कॉर्मोरेंट और अदर माइग्रेटरी बर्ड हैं यहाँ पे आते हैं, जैसे नदन पिंटेल, कॉमन टील, लिटल ग्रेबे, नदन सोवेलर, यूरेशियन कूट, इंडियन स्पॉट बिल डक, ग्रे हेरोन, ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक विंग्ड टिल्ट, ये गार्गेनी और गैडवॉल। देखो ये सारे ऐसे होते हैं, बतख तो देखी होगी आपने, बतख हमने वैसे फ्लेमिंगो पेलिकन बहुत बार दिखाया आपको, तो ये इसी तरह से होते हैं, ये बर्ड आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो स्पीसीज हैं ब्रिंगटोनिया और अकेसिया निलीटक निलोटिका, ये स्पीसीज के लिए फेमस है पुलिकट लेक। और ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये बर्ड है यहाँ पे आके ब्रीडिंग करता है, मतलब प्रजनन क्रिया करता है, अपने बच्चे पैदा करता है ये आके यहाँ पे, यहाँ पे। और जो पुलिकट लेक है और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो देखो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, ये इस झील के पास या पुलिकट लेक के पास लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ में है, पुलिकट लेक के पास, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक, जैसा हमने देखा ऊपर। और यहाँ पे लगभग 459 हेक्टेयर में फैली हुई है ये। जो पुलिकट लेक है ये सेकेंड लार्जेस्ट ये ब्रैकिस वाटर लेक है, हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, ये भी आंध्र और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, ये दोनों के साथ बॉर्डर लगाती है। और जो बे ऑफ बंगाल है उसके साथ भी बॉर्डर लगाती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे एक श्रीहरिकोटा आइलैंड है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। देखो भाई साहब जो ये पुलिकट लेक है, जैसे ये अपना हिंदुस्तान हो गया, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, बे ऑफ बंगाल को अलग करता है, और यहाँ पुलिकट लेक, यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है, इसे बैरियर आइलैंड भी बोलते हैं, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, समझ रहे हो, तो बैरियर आइलैंड है, रुकावट किस किस के बीच में, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में। तो ये श्रीहरिकोटा के ऊपर बना हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से इसरो वगैरह कुछ यहाँ से भेजती है ना सैटेलाइट वगैरह, सतीश धवन स्पेस सेंटर इस श्रीहरिकोटा आइलैंड में बना हुआ है, तो ये याद होना चाहिए आपको कहाँ पे है। और यहाँ पे देखो रिवर, एक अरानी रिवर, ये पुलिकट लेक के सदर्न साइड में और नॉर्थ वेस्ट साइड में, देखो सदर्न में है अरानी रिवर, यहाँ पे अरानी रिवर फ्लो करती है पुलिकट लेक के, और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे कलांगी रिवर है, इस वाले रीजन में, लेक के इस वाले रीजन में है ये कलांगी रिवर, तो इसके लिए फेमस है। यहाँ पे एक कैनाल भी बनी हुई है, नहर, जिसका नाम है बकिंगम कैनाल, बकिंगम नहर इसके लिए फेमस है भाई साहब। और देखो पुलिकट लेक और नेलापट्टू जो बर्ड सेंचुरी है, इसके आसपास टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, फ्लेमिंगो त्यौहार की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज कोरोना वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग सिस्टम। देखो जो नोवल कोरोना वायरस का, उसकी सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया था इंडिया ने, लेकिन अभी वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब कि इसका जो सीक्वेंसिंग चलाया था उसकी सीक्वेंसिंग नहीं की जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीन की इन्फॉर्मेशन, जो देखो जीन वगैरह हैं कोरोना वगैरह में, उसकी जीन की सीक्वेंसिंग करना कि कैसे जीन है उनकी इन्फॉर्मेशन हो सके, ताकि मान लो फ्यूचर में इसकी मान लो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रभावित किया है, उसमें कुछ 5% लोगों को से कोरोना वायरस के सैंपल लिए जाएंगे और उसमें देखेंगे इसका जीन कैसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर की जाएगी, ताकि उसके लिए फ्यूचर में कोई और दवाई वगैरह भी बनाई जा सके, और देखें कि इसके नए नए कौन से वेरियंट बन रहे हैं। वेरियंट का मतलब जब कोई वायरस मान लो कोई भी अपने आप को म्यूटेशन कर ले, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, अपने आप में चेंज कर ले, मान लो वायरस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये आरएनए बेस्ड वायरस है, ऐसा इसमें आरएनए था, और ये भाई साहब कोरोना वायरस है, और ये अपने आप को जब रेप्लिकेट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है जब भी बॉडी में जाता है, तो ये कुछ इसकी भूल जाता है ये कि हम मुझे ऐसा ही बनना है, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, अभी तो ऐसा है इसका, फिर मान लो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका आरएनए, तो ये चेंज हो गया, इस चेंज को ही बोलते हैं म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन हो गया, जो चेंज वायरस हुआ इस चेंज वायरस को बोलते हैं नया वेरियंट बन गया। तो ये सीक्वेंसिंग से यही फायदा होता है, हम पता लगा सकते हैं वेरियंट के बारे में। तो इंडिया की जो कोरोना वायरस के सैंपल सीक्वेंस चलाई थी उसके नंबर ड्रॉप हो गए, मतलब पहले जितने
जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे वो अब इतनी नहीं की जा रही है इंडिया में। जो इंडियन सारस कोव टू कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, ये इंसा कोग, ये एक प्रोग्राम है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ये लैब हैं बहुत सारी इंडिया में, दिसंबर 2020 में ये बनाई गई थी, ये इंसा कोग। इसके अनाउंस किया गया था कि कम से कम जितने भी लोगों को प्रभावित हुआ है, मतलब जितने भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं, उनमें से 5% लोगों का ये जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, मतलब वायरस लिया जाएगा। और इस मेथड को बोलते हैं रेंडेमाइज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब निगरानी, रेंडमाइज मतलब किसी भी पर्सन का, कहीं से भी 2-4% उठा लिए, मतलब जितने भी पर्सन अफेक्टेड होंगे कोरोना वायरस से, उनमें 5% में ये कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग देखी जाएगी, इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, कि इससे क्या है, जो भी प्रेवेलिंग वेरियंट वगैरह हैं, जो भी इमर्जिंग वेरियंट निकल रहे हैं, उनके बारे में पता चलेगा। जैसे करंटली 4 वेरियंट के बारे में हमें पता है, अल्फा वेरियंट एक, ये यूके में देखा गया, एक ब्राज़ील में देखा गया बीटा नाम का, गामा देखा गया साउथ अफ्रीका में, और एक डेल्टा वेरिएंट इंडिया में। मतलब नए नए, जैसे कोरोना वायरस ही म्यूटेट कर लेता है ना, नया वेरिएंट बन गया, उसी का नाम रख दिया बस डेल्टा, कि हाँ पता लग सके, हाँ ये डेल्टा वेरिएंट देखा गया था इंडिया में। अब डेल्टा जैसी नाम आएगा, ओहो इंडिया में वायरेंट, ये वेरिएंट देखा गया था कोरोना का। जैसे अल्फा नाम आएगा, समझ जाएंगे अरे ये यूके में देखा गया था। इसलिए नाम रख देते हैं ताकि पहचान हो सके कौन सा वेरिएंट कोरोना वायरस का कहाँ पे देखा गया था, मिला था, जब रिसर्च की थी। जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ को इंश्योर करने के लिए काम करती है, तो WHO ने भी ये कहा है कि भाई साहब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप G7 को दो। G7 के बारे में पढ़ेंगे क्या है, ताकि इसके लिए साइंटिफिक, ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ आ सके और इसके लिए रिसर्च कर सके। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, देखो ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। कि ये देखो इसमें फोकस किया जाता है कि कोई भी वायरस है उसका DNA वगैरह है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जीन की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जिसमें स्ट्रक्चर फंक्शन इवोल्यूशन मैपिंग एडिटिंग जीनोम्स की जाती है। इसमें DNA सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसके जरिए इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ताकि कोई भी इसके फ्यूचर में रिसर्च कर सकें, डिस्कवरी कर सकें इसके बारे में, इसलिए लिया जाता है ये। नेक्स्ट, ये जो इंसा कोग है ऊपर आया था, ये क्या है, इंडियन सार्स कोव टू कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। देखो ये जॉइंटली प्रोग्राम है एक यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनका मिला के जॉइंटली प्रोग्राम है जो चलाया गया था। इसमें 28 नेशनल लेबोरेटरी हैं, लैब हैं, जिन पे ये जीनोमिक वेरिएशन का मॉनिटर करती हैं। जो सारस कोव टू अपना वेरिएशन करता रहता है, नया नया म्यूटेशन करता रहता है, वेरिएंट बनाता रहता है, इनके बारे में भाई साहब ये रिसर्च करती रहती हैं लैब। यही है इस प्रोग्राम के अंदर जो इंसा कोग है। इसमें क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है इस कोरोना वायरस की, कैसे कैसे इवोल्यूट कर रहा है ये, और देखी जाती है कहाँ कहाँ पे सीवियरिटी है इस डिसीज़ की, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, ये सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और ये G7 क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा। ये देखो 2008 में सेटअप किया था, एस्टेब्लिश किया था, बनाया गया था। इसका काम ये दिया गया था, जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं ना, जैसे H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, या जो कोरोना वायरस हैं, इनके कारण जो भी बीमारी होती है, इनका जीनोमिक डेटा आप तैयार करो, कि कहाँ इनके जीन के बारे में इन्फॉर्मेशन, ताकि इनके बारे में क्या है, रिसर्च और की जा सके, और इनके लिए वैक्सीन डेवलप की जा सके, नए नए डायग्नोस्टिक सिस्टम, मतलब डायग्नोस्टिक सिस्टम होते हैं जो जांच करते हैं कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है नहीं है, जैसे RT-PCR सिस्टम हो गया, तो ऐसे सिस्टम डेवलप किए जा सकें, दवाई बनाई जा सके, इनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करता है ये। देखो इसी तरह का प्रोग्राम एक इंडिजन प्रोग्राम भी है इंडिया का, जीनोमिक्स फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया प्रोग्राम, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं इंडिजन प्रोग्राम। ये क्या है, देखो ये CSIR का इनिशिएटिव है, CSIR एक इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने ये प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट किया था। इसमें लगभग 1000 पीपल की, इंडिविजुअल पीपल की, डिफरेंट डाइवर्स एथनिक ग्रुप से सैंपल लिए थे, जीन के सैंपल, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की थी उनकी, यानी कि जीन के DNA के सैंपल लिए डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के लोगों से। जैसे मान लो हमारा हिंदुस्तान है, इधर से ले लिए कुछ लोगों के जीन के सैंपल, इधर से कलेक्ट कर लिया, मतलब ब्लड ले लिया, उनका ब्लड में से मिल जाता है जीनोम सैंपल, और इनका मान लो इधर से ले लिए, कुछ शेड्यूल ट्राइब के ले लिए, कुछ दूसरे शेड्यूल ट्राइब के, किसी कैटेगरी के ले लिए, किसी धर्म जाति के ले लिए, अलग अलग जो एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब लेंगे 1000 लोगों को, फ़ायदा ये होगा पता चलेगा कौन से प्रजाति के लोगों में कैसी बीमारी चल रही है, और उन बीमारी को हैंडल किया जा सकेगा, और उनके लिए नई नई रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सकेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकेंगी, दवाई बना जा सकेंगी, तो पॉपुलेशन का जीनोमिक डेटा हमारे पास होगा, CSIR के पास। तो ये सारे फायदे हैं इससे। तो यही थे शायद आज के टॉपिक, हाँ इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं इनकरेक्ट बतानी है आपको, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट बतानी है। पहली कह रही है जो कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं,
वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर कवर हैं। कॉमर्शियल कॉर्प वो होती हैं, जैसे मान लो हम जब कोई फसल उगाता है किसान, तो वो बेच रहे उसे, सिर्फ खाने के लिए ना यूज करे, सिर्फ उसे बेच के भी आए मार्केट में मंडी में, वो हो गई कॉमर्शियल क्रॉप। तो क्या इनके लिए एमएसपी होता है? नेक्स्ट है कि इफ एमएसपी इज मेड लीगली बाइंडिंग, अगर मान लो अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए, बाध्यकारी, तो फिर कोई भी जो प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट बायर है, कोई भी मान लो खरीदना चाहता है प्राइवेट कंपनी किसानों से उनकी फसल को खरीदना चाहता है, तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा किसी भी कंडीशन में, अगर एमएसपी बाइंडिंग बना दिया। तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, पहला गलत है, दूसरा, दोनों गलत है, कोई भी गलत नहीं। देखो कोई सा भी गलत नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों को दोनों करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है करेक्ट। पहली कह रही है कि जो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है पीटीए, ये जब भी कोई कंट्री ऑफर करती है ट्रेड प्रेफरेंस, इसमें जीरो या लोअर टैरिफ रखती है अपने पार्टनर जो होता है, जैसे मान लो इंडिया ट्रेड कर रहा है बांग्लादेश से, तो अगर उसके साथ ये एग्रीमेंट हो रखा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट ये एग्रीमेंट हो रखा है, तो उस केस में या तो हम आने जाने जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उस पर जीरो टैरिफ लगाएंगे, मतलब जीरो टैक्स, या बहुत ही कम लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट या पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट है, ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, मतलब दोनों का मतलब एक है क्या इनका? आपको बताना करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा है, दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों जो टर्म है दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा वन करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है, वन ओनली। नेक्स्ट आपको बताना है जो नाविक सिस्टम है, नेशनल विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है, ये बताना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरीन नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है क्या, मतलब लैंड या हवा में या ओशन में इसका यूज होता है क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है क्या, मतलब आपदा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है कि इस सैटेलाइट से डेटा जो है वो व्हीकल ट्रैकिंग के लिए या फ्लीट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जियोडेटिक डेटा कैप्चरिंग के लिए यूज होता है, तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज है ये बताना है, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4? इसका आंसर है डी, सारे, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, सबके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपको बताना है मेन पॉइंट आउटलाइंड इन द सीमेंट मतलब कैलीमेंट एटलीस्ट स्टेटमेंट 1947 वाज वर, जो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो 1947 में, ये फरवरी 1947 में एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, तो इन्होंने कोई एक स्टेटमेंट जारी की थी, एक आदेश जारी किया था, उस स्टेटमेंट में क्या था ये बताना आपको, ये उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सी जो इसमें यहाँ पे दी गई है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है जो क्लेमेंट एटली ने दी थी 1947 में। फर्स्ट स्टेटमेंट करिए ब्रिटिश वुड रिलिंक्विश पावर ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, जब भी अपनी पावर छोटेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के को देगी सारी पावर, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी ऑटोनॉमी को रिजेक्ट करती है कि उन्हें ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ आज़ाद किया जाएगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी रही रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, तो जो प्रिंसली स्टेट हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर काम करेंगे तब भी। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1, 2, दोनों सही, दोनों गलत? देखो भाई साहब दोनों के दोनों गलत हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब छोड़ेगी अपनी पावर यहाँ से, भारत आज़ाद होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दोनों ऑटोनोमस हो जाएंगी, आज़ाद रहेंगी, और प्रिंसली स्टेट भी आज़ाद रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहेंगे, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट खत्म है भाई साहब, कुछ नहीं है।